ओके सुदांत, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2, दैट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड करेंगे हम पहले. व्हाट इज गिवन? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर. देर आर टू कॉर्ड्स, और वहां पे टू कॉर्ड्स है. ओके, और ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच, और हर एक का लेंथ कितना है? 16 है. दैट मीन्स ये कॉर्ड कैसे है स्टूडेंट? यस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. जिसका लेंथ इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट है. वॉट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर? यस, और हमें पता है अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो दे आर एट द यस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मतलब दोनों का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड, किसी एक का फाइंड करेंगे क्योंकि दूसरे का भी सेम होगा, क्योंकि बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस. अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की. इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर व्हाट? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो किसी एक कॉर्ड का हम डिस्टेंस निकालेंगे, हमको सेकेंड का वैसे ही आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है स्टूडेंट, इट इज नॉट क्लियरली गिवन दैट द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिर्फ इतना है कि बोथ हैविंग द लेंथ 16 सेंटीमीटर. तो हमें पता है जिसका लेंथ सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वेरी सिंपल. अगेन फर्स्ट रफ हम एक डायग्राम बनाएंगे सर्कल का, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे कैसे फाइंड करना है. ये स्टूडेंट, दिस इज अ सर्कल. इज अ वन सेंटर. ओके, फिर यहाँ पे दो कॉर्ड है, तो फर्स्ट ड्रॉ द टू कॉर्ड. ओके, ड्रॉ द टू कॉर्ड. अब कोई भी नेम, यहाँ पे कॉर्ड का कोई नेम नहीं है, सेंटर का भी नेम नहीं है. सेंटर ओ. सपोज कॉर्ड आर ए बी एंड सी डी. रेडियस इज गिवन. सो रेडियस कैसे होगा स्टूडेंट? यस, सेंटर टू सर्कल, तो ओ ए एंड ओ सी, दीज आर टू रेडियस. हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू यस सेंटर टू कॉर्ड. तो हम ये पहले यहाँ पे हम पता है ये परपेंडिकुलर होता है. It is called, suppose M, it is N. Now, what are given? हम लिख लेंगे. See, what is given student? ये जो information है हम उसको words में लिखेंगे. Okay? What is given? O is a center. Okay student? And again what? ए बी एंड डी सी आर कॉर्ड्स. देयरफॉर व्हाट इज गिवन? लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ डी सी बोथ कितने है स्टूडेंट? यस, 16 सेंटीमीटर. इट इज गिवन, इट इज गिवन. नाउ अगेन ओ ए एंड ओ सी आर व्हाट? यस, रेड डाई. Therefore, what is given? Again, this length given na? OA is equal to length of OC is equal to how much? Yes, it is given 10 centimeter. Dono kyun student? Because they are radii of same circle. Radii of same circle. ओके स्टूडेंट, नाउ देयरफॉर व्हाट इज ए एन स्टूडेंट? ए एन कितना होगा? ए एन कितना होगा? और यहां पे आप सीजन कोई भी हम
एक ये अगर लेना है, ये ट्राइंगल लेना है, तो यहाँ पे ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहाँ पे हमें और क्या लिखना होगा, गिवन में सेगमेंट ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, टू कॉर्ड ए बी। सो व्हाट इज एन, एन कितना का स्टूडेंट, यस हाफ ऑफ ए बी, ए एन इज इक्वल टू, हमें हर जो बारी मेनी टाइम हमने किया स्टूडेंट ये हाफ वाई, अगेन आपको प्रॉपर्टी लिखनी होगी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड। फिर सुन, हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ किया है, ए बी इज ए कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मीन्स ये टू पार्ट क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो गए। दैट मीन्स तो ए एन कितना होगा, इज ए हाफ ऑफ ए बी, बट व्हाट इज ए बी, इट इज गिवन ना स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 16, तो इट इज 2 1 2 8 मीन्स 8 सेंटीमीटर। ए एन कितना हो गया 8। नाउ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज द नेम, ओ एन ए, माय पाइथागोरस थ्योरम, यस वेरी गुड स्टूडेंट, दिस ट्राइंगल ओ एन ए परपेंडिकुलर, तो ओ ए इज अ हाइपोटेनियस, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइड्स ए एन ओ एन, ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। सो वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज ओ ए, दैट इज इट गिवन, ओ ए एंड ओ सी आर रेड डाय, दैट इज 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन, हमने अभी फाइंड किया, यस 8 स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, यहाँ पे ट्रांसफर होगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। सी स्टूडेंट ये सिंपल है, अगर हम यहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी करेंगे, 10 माइनस a, 8 10 माइनस 2 तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, सिंपल है ना स्टूडेंट, 100 10 स्क्वायर इज 100 एंड 8 स्क्वायर इज 64 ओ एन स्क्वायर, तो इट इज 36 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, therefore taking square root what o n is equals to 6, taking square root। see student अब यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, o n मैं लिख रही हूँ o n is equal to o m and is equal to 6 centimeter, o n 6 है लेकिन मैं बोल रही हूँ, सी हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट के जितना ओ एम है उतना ओ एम होगा, वाई वाई यस दीज आर द कॉन्ग्रंट व्हाट कॉर्ड, ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रंट कॉर्ड, देयरफॉर दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सी ओ एन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर दे आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देयरफॉर ओ एन इक्वल ओ एम इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो दोनों भी बोथ द कॉर्ड दे आर एट द 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, वो दोनों कॉर्ड सेंटर से कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर।
लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हमने एक डिस्टेंस, एक कॉर्ड, कॉर्ड ए बी, इसका डिस्टेंस फाइंड किया। लेकिन हम लिख रहे हैं कि जितना कॉर्ड ए बी डिस्टेंस होगा उतना ही सी डी के लिए होगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज दीज टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है, इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो जितना ओ एन होगा सिमिलर उतना होगा ओ एम एंड बोथ इज इक्वल टू सिक्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी अगेन वही मेथड, वही मेथड ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लेना है तो राइट एंगल होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। टू साइड्स आर नोन, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में आउट ऑफ थ्री टू साइड्स अगर हमें पता होंगे हम थर्ड वन इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? अगेन इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन है, सी स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही डायग्राम फाइंड करो, आप यही नेम दो जो मैंने दिया है, यू कैन गिव एनी नेम। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन में है कि वन सेंटर ऑफ ए सर्कल, टू कॉर्ड्स हैं, दोनों का लेंथ इक्वल है तो टू कॉर्ड्स इक्वल लेंथ, देन रेडियस इज गिवन एंड वी नो दैट दो रेडियस हम कितने भी रेडियस निकालो बोथ ऑल आर सेम बिकॉज द रेडिया ऑफ ए सेम सर्कल्स आर सेम। एक ही सर्कल में अगर कितने भी रेडियस होंगे सबका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, तो दोनों का लेंथ 10 हो गया। हमने क्या किया? सी ओ एन और ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए एन इक्वल होगा एन बी के। तो व्हाट इज ए बी? ए बी कैसा, ए एन कैसा होगा? हाफ ऑफ ए बी, ए एन हाफ ऑफ ए बी, बट ए बी इज 16 तो ए एन इज 8। तो ये स्मॉल ट्रायंगल ए एन पता है अभी फाइंड किया 8, ओ ए है रेडियस जो कि है 10, हमें फाइंड करना है ओ एन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ एन आ गया 36, सॉरी ओ एन स्क्वायर इज 36, ओ एन इज 6। इफ ओ एन 6 तो अपोजिट साइड ओ एम ऑल्सो 6। व्हाई? बिकॉज द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके। स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी? यस, अगेन वॉच वन मोर टाइम। नाउ मूव टू सेकेंड वन। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू सेकेंड। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट? रीड द क्वेश्चन। इन ए सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, अगेन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन 13, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स। सी स्टूडेंट, कॉर्ड्स इक्वल है लेकिन कितना है पता नहीं है, टू कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं और उनका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 5 है। वैसे ही वहां पे हमें डिस्टेंस ये फाइंड करना था, यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन, हमें कॉर्ड फाइंड करना है। तो सेम डायग्राम होगी, सेम सर्कल, यस वैसे ही आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट। अगेन वन सर्कल, स्टूडेंट ना वॉट टू कॉर्ड्स, तो गिव द नेम ऑफ टू कॉर्ड्स, कोई भी टू कॉर्ड्स बनाएंगे हम। अगेन नेम ए बी सी डी, सेंटर ओ,
एंड दीज टू कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस. सी इनका डिस्टेंस इक्वल है. सपोज ये हमने परपेंडिकुलर है एम, ये परपेंडिकुलर एन. नाउ जॉइन दिस OA, OC. What? OA and OC are radius. So again, student, what is given right? In a figure, O is the center of a circle. Okay? How will we write? C. In a figure, what O is center of a circle AB and CD are chords. Again, length of OM C is equal to length of ON is equal to कितना दिया उन्होंने 5 सेंटीमीटर. बट वाई स्टूडेंट ऐसे हमने क्यों लिखा, दोनों का क्यों लिखा है? बिकॉज यस कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दे आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. उनका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? इक्वल होगा. ये ओ एम इक्वल टू होगा ओ एन. अगेन व्हाट इज गिवन? सेगमेंट ओ ए एंड ओ सी इक्वल टू 13. व्हाई? यस रेड डाई ऑफ सेम सर्कल, रेड डाई ऑफ सेम सर्कल. सी स्टूडेंट आप अपने मन से हम जो जो इंफॉर्मेशन है उसको वन बाय वन पुट करेंगे. नाउ सी अगेन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. तो उससे क्या होगा स्टूडेंट? सी सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एंड हियर सेगमेंट विच ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड विच सी डी. तो इससे क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर होने की वजह से वो क्या होगा? 90 डिग्री. सो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल. अगेन कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे. सपोज आई टेक दिस, क्या ऊपर का लेंगे? ओ एम ए, ओ एम ए. व्हाट स्टूडेंट? सो ओ ए इज हाइपोटेनियस. ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. ओ ए कितना है? इट इज गिवन ओ ए 13 हाइपोटेनियस. ओ एम अगेन इट इज गिवन ओ एम ओ एन 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर प्लस हमें ए एम फाइंड करना है. तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर. व्हाट? 13 स्क्वायर इज 169, इट इज 25. इजी है ना स्टूडेंट फाइंड करने के. माइनस करेंगे तो इट इज 144 एंड अगेन 144 इज अ स्क्वायर ऑफ 12. वेरी गुड. सो एम इज 12 टेकिंग स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट बट स्टूडेंट हमें एम नहीं फाइंड करना है, हमें कॉर्ड फाइंड करना है. कॉर्ड एम, तो एम जितना होगा उसका डबल होगा ए बी, है ना? देयरफॉर cord AB is equals to 2 into AM.
वाई स्टूडेंट ऐसे क्यों? यस बाइसेक्ट करता है ना, वही वही प्रॉपर्टी लिखेंगे. व्हाट? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, वही प्रॉपर्टी. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू इट्स कॉर्ड, व्हाट? बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए क्या होगा, वो डबल होगा उसका, या वो हाफ होगा या वो उसका डबल होगा. कैसे लिख सकते हैं? तो टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एम, अभी फाइंड किया 12, देखो 12 टू जा 24 सेंटीमीटर. बट द टू कॉर्ड्स आर इक्वल, बट ए बी इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. देयरफॉर द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड इज हाउ मच? 24 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर? द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर. सी जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 में स्टूडेंट ऑल 1, 2, 3 किया था, ओनली जो ये ट्राइंगल होता है ना, समटाइम दिस टू गिवन हमें ये फाइंड करना होता है, समटाइम दिस टू गिवन हमें ये फाइंड करना है, और कभी दिस टू गिवन हमें रेडियस फाइंड करना होता है. बस वही ट्राइंगल में सिर्फ साइड क्या होती है, चेंज. समटाइम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट इज गिवन, समटाइम ये कॉर्ड की लेंथ होती है, कॉर्ड की लेंथ जितनी भी होगी उसका हाफ ये होगा ना. तो अभी हमने उसे किया, हाफ पार्ट निकाला, हाफ पार्ट एम, तो एम का डबल होगा ए बी, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द टू इक्वल पार्ट होते हैं, इसलिए डबल ऑफ एम. ए बी इज डबल ऑफ ए एम, दैट इज टू. सी स्टूडेंट मैंने ये ट्राइंगल लेके सॉल्व किया है, आप ये ट्राइंगल लेके भी सॉल्व कर सकते, कोई भी चेंज नहीं होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगेन बाय यूजिंग किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जितना ओ एम होगा उतना ओ एन होगा. वाई? बिकॉज द कॉर्ड्स आर इक्वल, एंड इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ओ एम एंड ओ एन बोथ इक्वल टू 5, एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी बोथ इक्वल, बिकॉज दे आर रेड डाई ऑफ सेम सर्कल, रेड डाई ऑफ सेम सर्कल. अगेन इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर, सो इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो ए एम इज डबल ऑफ, सॉरी ए बी इज डबल ऑफ ए एम. मैंने ये ट्राइंगल लिया, आप ये लेंगे तो आप सी एन इज सी डी इज डबल ऑफ सी एन, वैसे फाइंड कर. ओके स्टूडेंट, सेम वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है. ओके स्टूडेंट, स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी स्टेप, गो बैक टू वीडियो एंड सॉल्व इन योर नोटबुक. सी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इट इज ऑफ नो यूज, ये कोई भी आपके काम नहीं आएगा स्टूडेंट जब तक आप सॉल्व नहीं करते. तो ईच लेसन के ईच सम्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट, हर सम आपके नोटबुक में आपको खुद से सॉल्व करना है. ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, सिर्फ बोर्ड पे से कॉपी मत करो स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, यू वॉच वन टाइम टू टाइम, जब तक आपको आइडिया क्लियर नहीं होते ना आप वॉच करो, देन उसके बाद आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके नाउ सॉल्व बाय योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करो. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर